तो मनापार्थ जुवंग झुंझन मदाश्रय असंसांग समग्रं मां यथा गच्छसि तच्छृणु। भगवान कैसे हैं, भगवान का रूप कैसे, गुण कैसे, लीला, गुण रूप लीला परिकर वैशिष्ट, पांच चीज भगवान। पहले रूप, नाम, नाम रूप। तो भगवान को समझने के लिए शास्त्र में यही विधि बताए हैं कि भगवान का नाम लीजिए। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान का नाम चेतन वस्तु, नाम चैतन्य रस विग्रह, नित्य मुक्त शुद्ध अभिन्नत्या नाम नामे। भगवान का नाम जैसे भगवान चेतन वस्तु सच्चिदानंद विग्रह, इसी प्रकार भगवान नाम भी चेतन वस्तु सच्चिदानंद विग्रह। दैट इज द डिफरेंस। यही भगवान और हम लोग से इतना ही फर्क। भौतिक नाम जो है, जैसा आपको प्यास, यो आप यू आर थर्स्टी, प्यासी है, आपको जल चाहिए, तो यदि आप जल 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 करेंगे तो आपको प्यास नहीं मिलेगी। क्यों? ये जो नाम है भौतिक, और जो जल जो वस्तु है वो अलग है, डुअलिटी। दिस The material world is called dual, क्योंकि एक चीज से और एक चीज फर्क। इधर नाम और नामी एक चीज नहीं है। परंतु जो परब्रह्म है, आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उधर में नाम नामी से फर्क है। इसको समझने, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चिंतामण ऑल स्पिरिचुअल, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध। जैसे भगवान पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णमेव अवशिष्यते, इसी प्रकार नाम भी पूर्ण है और शुद्ध है, नॉन कंटामिनेटेड बाय द मेटीरियल मोड। पूर्ण शुद्ध ब्रह्म वस्तु, इसलिए शब्द ब्रह्म कहा जाता। हरे कृष्णा मंत्र जो है ये शब्द ब्रह्म, पूर्ण शुद्ध नित्य। इधर का जो नाम है, अभी हमारा नाम मिस्टर सतन सच, तो वो नाम बदल जाएगा। जहाँ शरीर बदल गया और इस शरीर में ही बदल जाता है, क्योंकि नित्य नाम नहीं है। भाई भगवान का जो नाम है पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। मुक्त मीन्स ब्रह्म वस्तु, यानी ये भौतिक जगत का कोई वस्तु नहीं, इसका नाम। क्यों? अभिन्नत्या नाम नामिन, क्योंकि उधर में नाम और नामी फर्क नहीं, अभिन्न, द सेम थिंग। उदाहरण स्वरूप देखिए, ये जो यूरोपियन अमेरिकन जो नौजवान सब ही इस मूवमेंट में योगदान किए हुए है। इनको तो एकमात्र आधार है, क्योंकि इसको पहले कुछ संस्कार नहीं था, हिंदू संस्कार नहीं था। ये कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जैसा हमारा वर्णाश्रम धर्म है, उधर वो सब कुछ नहीं है। तो ये सब होते हुए भी नाम का आधार से कितना सुंदर और शुद्ध हो रहा है आप लोग देख सकते नाम का। हाँ, इन लोग का और कुछ इसमें मैजिक नहीं है। ये शुद्ध भाव से अपराध इन हो करके, कोई अपराध नहीं कर करके भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु बताया है, चेत दर्पणमार्जनम, नाम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेत दर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्पापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णम आस्यादनम परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तन। ये चैतन्य महाप्रभु कहना है कि कलियुग में विशेष करके सब युग में नाम और नाम ही अभिन्न। कलियुग के नाम तुलसीदास भी बताया, नाम का आधार से सब सिद्धि मिलती। और चैतन्य महाप्रभु भी बताए हैं, यहा होते सर्व सिद्धि होई वे तुमा। यू सिंपली चांट, केवल भगवत नाम कीर्तन कीजिए। हाँ, अपराध का विचार है। नाम कीर्तन करने के लिए तीन अवस्थाएं होते हैं। एक तो अपराध युक्त नाम होता है, और एक नामाभास होता है, और एक शुद्ध नाम। नामाभास से वो मुक्त हो जाते हैं, और शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम होता है, और अपराध युक्त नाम से दुनिया का सुख दुख होता है। ऐसे शास्त्र में विचार है। तो अपराध, पहले तो अपराध युक्त नाम जरूर होगा, बाकी आस्ते आस्ते चित्त दर्पण मार्जनो, जैसे जैसे चित्त दर्पण जो है वो मार्जित होते जाएगा नाम करने से। यही पहले शुरू हो जाए, चित्त दर्पण मार्जनो। वो क्या मार्जित होना है? जो अहं ब्रह्मास्मि, मैं भौतिक वस्तु नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूं, इसका नाम है चेत दर्पण मार्ग। दुनिया में जितना दुख का कारण क्या है? देहात्म बुद्धि जस्रात्म बुद्धि कुनपेति धातु। ये जो तीन धातु के बनाए हुए जो शरीर है, इसको हम समझते मैं हूं, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं क्रिश्चियन है, मैं इंडियन है, अमेरिकन है। ये जो उपाधि, ये शरीर का है। और क्योंकि हम लोग ये उपाधि में फंस गए हैं, इसीलिए तमाम झगड़ा और ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, इसका असल उद्देश्य है जो उपाधि शून्य करना हो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधि से मुक्त करने के लिए। देखिए हमारा इधर ये सोसाइटी में हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जूज है, अफ्रीकन है, सब जात है, सब देश का, सब धर्म से आए हुए, बाकी वो सब भूल गए, उपाधि शून्य हो गया। हाँ, इधर कोई भी है वो अपने को नहीं समझता जब मैं अमेरिकन है, हिंदू है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, चमार है, नहीं, वो सब समझते हैं मैं कृष्णदास। हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु बताए, जीवेर स्वरूपाय नित्य कृष्णदास। ये जीव का स्वरूप, जीव का जो असल स्वरूप है वो भगवान का दास। बाकी उसको बीमार हो गया तो मैं दास क्यों होंगे? मैं मास्टर हूं, मैं मालिक हूं, यही बीमार। दास होने को नहीं चाहते क्योंकि उसको तो ज्ञान है ही नहीं जी भगवान का दास होने से कितना फायदा है और क्या चीज है वो तो नहीं। वो समझते जी दुनिया का दास होने से हमको तो जूता खाने पड़ेगा तो हम दास नहीं। मैं उनको वास्तविक जो भगवत तत्व ज्ञान उनको है, इसलिए दास होने को नहीं चाहते, वो आखिरी में भगवान होने को चाहते। पहले देख लेता है जो मिनिस्टर हो जाए, ये मास्टर हो जाए, बिरला हो जाए, यू हो जाए, वो हो जाए, सबसे जब फेल हो जाता है तब बोलता है हम भगवान होंगे। वही जो बीमार है वह दास नहीं होंगे। तो चैतन्य महापुरुष बताते नहीं ये सब छोड़ो। नमनत एव ज्ञाने प्रयास मुदपास, ये जो मेंटल स्पेकुलेशन कि मैं भगवान है, दिस इज सिंपली मेंटल स्पेकुलेशन। ये भगवान होना साधारण बात है क्या? या हम लोग जिसको भगवान मानते हैं, भगवान रामचंद्र को भगवान मानते हैं, कृष्ण को मानते जो अवतार लेकर के दुनिया में आए थे, कितना अद्भुत अलौकिक काम सब किया। समुद्र में वो पुल बना दिए और पहाड़ पत्थर को वो डूबा नहीं, वैसे ही इसी खराब। ये भगवान भगवान कृष्ण 7 बरस उम्र में पहाड़ को उठा लिया अंगली से। तो अलौकिक जो कि कोई किसी तरह से कोई बड़े बड़े जोगी से भी नहीं हो सकता है, तो साधारण मनुष्य का क्या बात है? अलौकिक। और भगवान खुद भी कहते हैं मत्ता परतरंग नान्या किंचिदस्ति धनंजय। तो असल बात है जो भगवत तत्व ज्ञान नहीं होने से ये सब दुर्बुद्धि होती है। अब जानती मांग मूढ़ा मानसिम तनुवास, जो भगवत तत्व परम भाव जानंत, जो भगवान सर्वशक्तिमान कितना बड़ा उनका काम अलौकिक, ये सब मालूम नहीं होने से ये आजकल ये सब चीप गॉड हो गया। इसका फल यही हुआ है जैसा अब नास्तिक हो गया, यही हुआ। सब कोई समझता मैं भगवान है, मैं क्या भगवान का मंदिर में जाएंगे, मैं किसको पूजा करूंगा, मैं किसको भक्ति करूंगा, मैं तो खुद ही भगवान और हमारा कुछ पाप नहीं है, मैं जो कुछ कर सकता हूं। खूब पाप करो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्वामी सब लेक्चर देता है, बोलता तुम पाप से क्यों डरते हो, वो तुम्हारी इमेजिनेशन है। ये सब बात बताते हैं। इसीलिए जो गॉडलेसनेस ये दुनिया में अभी जो भगवान पूरा दे, मैं जब अमेरिका में पहले गया था वो लोग कह रहे भगवान तो मर गया है, आप क्या भगवान का बात बोल रहे हो, ये उनका विचार। फिर कागज में लिखा जो हम लोग समझा था जो भगवान तो मर गया है, बाकी स्वामी जी कीर्तन का शुरू से भगवान को ले आए, इसको मान लिया। तो बड़ा हम लोग जीवात्मा है, न जायते न मृयते, जीवात्मा जो भगवान का अंश है वो कभी मरता नहीं, ना उसका जन्म होता है। अरे भगवान जो अंशी है वो मर गया, वो आए नहीं, ये सब भूल विचार। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं जे मैया सत्त मना प्रार्थ जोगंग झुंझन मदाश्रय, भगवान का आश्रय ग्रहण करते, ये भगवान का भक्त का आश्रय ग्रहण करते, भगवान और भगवान का भक्त, हाँ, भगवान का भक्त है सेवक भगवान, और भगवान खुद है सेव भगवान। तो भगवान और भगवान का भक्त क्या है कि वो भगवान जैसे बताते हैं वो भी ऐसे ही बताते हैं, उसमें कुछ कारीगरी करके इधर उधर बात करके भगवान को उड़ा नहीं देते। ये जो हम लोग भगवत गीता, मैकमिलन कंपनी हमारा छपता है, भगवत गीता एज इट इज खूब बिक रहा है। We started in 1968, and from 68 up to now, they have got 6 editions, and each edition they are publishing not less than 50,000 copies. Or, अभी recently हम लोग भगवद गीता enlarged edition publish कर रहा हूँ, जो कि सब प्रत्येक श्लोक उसका एक एक शब्द का अर्थ दे दिया है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन और पर्पट। वो भी मैकमिलन कंपनी अभी छपेगा, अगस्त मार्च में निकलेगा। वो बहुत भारी किताब, 1100 पेज। तो मैकमिलन कंपनी का ट्रेड्स मैनेजर जो है, उनका रिसेंट रिपोर्ट है, नहीं तो वो तो बिजनेसमैन है, क्यों हमारा किताब छपेगा। वो देखता है जो ये जो भगवत गीता एज इट इज, इसका डिमांड बढ़ रहा है और जितने एडिशन है वो सब कम होते जाता है। अभी हम सुना है रिलायबल सोर्स से, ये नाम लेने नहीं चाहता, कोई प्रसिद्ध स्वामी जी, कोई अमीर का घर में भागवत पाठ करने के लिए बुलाया गया था, और उनको वो गृहस्थ सभी बताया, देखिए आपका वेदांत पाठ ना कीजिए, सब जैसे जैसे है वैसे बताए। तो ये हम लोग का प्रचार का कुछ फल हुआ है। ये जो शास्त्र लेकर के वेदांत का नाम लेकर के उल्टा सीधा समाधान, दैट हैज स्पॉइल्ड द होल थिंग। व्याघ्र माने साधु। एक आदमी को पूछा गया मास्टर साहब को, मास्टर जी व्याघ्र का क्या अर्थ होता है? वो बोला शार्दुल। बोला वो तो व्याघ्र समाज से नहीं, उसका और एक कठिन शब्द दे दिया, शार्दुल। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिया था तो एक सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत भारी नहीं आई लॉजिशियन और मायावादी, तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गए और भगवान का मंदिर में जा करके जैसे जगन्नाथ की मूर्ति देखा, उसी वक्त मूर्छित हो गए और उनका सेंस नहीं है, अनकॉन्शियस। तो सार्वभौम भट्टाचार्य राज पंडित उस समय उपस्थित थे। वो तो पंडित है, जानते हैं कि ये तो साधारण बात नहीं है, ये तो साधारण भक्त नहीं है जो भगवान को देखते ही मूर्छित हो गया। और वो परख भी किया, रुई भी ले आया, नाक में लगाया, पेट भी देखा ये सांस प्रश्वास चल रहा है कि, क्योंकि जिसको ये समाधि हो जाती है उसको सांस प्रश्वास सब बिल्कुल बंद हो जाए। तो जब समझ गया ये साधारण नहीं है, तो नौकर चाकर को बोलो देखो जी इसको हमको हमारा घर में ले चलो। तो उनको घर में ले गया। फिर उनका सब जो पार्षद था वो आए, वो हरि कीर्तन किया, हरे कृष्णा। फिर उनका सेंस आया ये चैतन्य महाप्रभु की अवस्था ऐसी होती। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बताया, वो तो 24 बरस उनके बच्चे का स्वरूप, जो देखो जी तुम तो बड़ा कम उम्र में सन्यास ले लिया, ये तो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम गृहस्थ छोड़ करके